सिंदूर पिंधिबार महिला मानक स्वतंत्र किछि नियम रही थाए जहाकि खूब कम महिला माने ए बाबदरे जानि थांदी। किंतु सिंदूर मथारे किभली लगा जाए ताहा विषय रे आज आमे आपनकु किछि जणाइबाकु चाहुछु। तबे भिडियो टिकु मूलरु शेष पर्यंत संपूर्ण रूपे देखन्तु। दर्शक बंधु, आम हिंदू धर्म रे सिंदूरर बहुत अधिक महत्व रही थाए। प्रत्येक विवाहिता नारी सिंदूर को मथारे लगाई थांती। सिंदूर नारी को पई सेमानंकर गहना होई थाए। शास्त्र अनुजाई सिंदूर न लगाइबा अशुभ मना जाए। सिंदूर को मथारे लगाइबा समय रे किछि नारी माने अजानतरे भूल करि दे थांती। एहा तांको उपरे ओ तांको स्वामी को उपरे खराब प्रभाव पकाइ थाए। तबे सिंदूर लगाइबार किछि नियम रहिछि जा विषय रे आमे आजि आपनकु कहिबाकु जाउछु। प्रत्येक विवाहिता नारी माने मथारे सिंदूर लगाइबा शास्त्र अनुजाई एक विधान अटे। कारण सिंदूर बिना नारी श्रृंगारहीन होइथाय। नारीर प्रथम आभूषण हेउछि तार मथार सिंदूर। सिंदूर न लगाइ स्त्री केबे भी सुहागिनी होइ पारे नाही। अनेक समय रे नारी माने स्टाइल मारिबा पई सिंदूर को साइड रे लगाइ थांती। किंतु एहा संपूर्ण भूल अटे। सिंदूर मथारे लगाइबा समय रे नारी मानको बहुत सतर्क रहिबाकु पडिथाय। सिंदूर लगाइबा समय रे नारी माने ध्यान रखिबा उचित जे मथा मझिरे लगाइबा उचित। जेउ महिला सिंदूर मथार साइड रे लगांती सेमाने मना जाय कि स्वामीक ठारु स्त्री दूरै जाय थाए। मझि सुतानी करि सबबेले सिंदूर लगाइबा उचित। एहा द्वारा स्वामीकर आयुष वृद्धि पाइ थाए। आउ एभली नारीक ठारे मां लक्ष्मीक कृपा विशेष भाबे रहि थाए। तेणु सबुबेले सिंदूर मथारे लंबारे लगाइबा उचित। शास्त्र अनुजाई सिंदूर मथारे लंबारे लगाइबा भल होइथाए। लुचाइबा भली लगा जाइथिबा सिंदूर महिलांक उपरे खराब प्रभाव पकाइथाए। कहा जाय एमिति महिलांक ठारु स्वामी धीरे धीरे दूरै जाइथाए। केबे भी सिंदूर मथारे लुचाई कि लगाइबा उचित नुहे। एहा द्वारा स्वामींकर जीवन उपरे कुप्रभाव पड़िथाए। एमिति नारीक ठारे मां लक्ष्मी भी केबे भी निवास करंती नाही। तेनु सिंदूर लगाइबा समय रे एही सब कथा प्रति ध्यान देबा उचित जहा द्वारा स्वामींकर जस वृद्धि पाइथाए ओ घरे सुख समृद्धिर आगमन होइथाए। तबे दर्शक बंधु, आपणको आम पोस्टटि जदि भल लगे तबे प्रथमे आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। लाइक आउ शेयर करबाकु मध्य भूलंतुनि। ब्युरो रिपोर्ट, सुवर्ण ओडिसा।